ये पहली बार इंटरनेट पे आपने सुना होगा, कोई किसी ने नहीं बताई होगी ये बात। भी ठीक लगे महाराज, खुल्ला खाता है लिखी लेख्या में जब करने वाले को ये मिलेगा, इससे वशीकरण की शक्ति आ जाएगी, इससे आपको धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, संतान चाहने वाले को संतान, ऐसी अतरंगी बातें हैं हमारे पास। उस छंद के पर्टिकुलर छंद के अंदर किसी को कोई श्राप दे दे तो उसको लग जाए राम राम शिव 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश योद्धा जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका उत्तर मैं देना चाहता हूं। एक प्रश्न तो ये है कि क्या संस्कृत पढ़ना हमें नहीं आता तो क्या ललिता माँ कृपा नहीं करेगी, या किसी स्तोत्र का हमें फल नहीं मिलेगा, संस्कृत नहीं आती तो क्या करें। देखिए, अगर आपको संस्कृत का उच्चारण आपका कमजोर है तो कोई सामान्य सा छोटा सा मंत्र ले लीजिए किसी गुरु से और उस मंत्र का नियमित जाप कीजिए, नहीं तो कोई नाम जप कीजिए, उससे श्रेष्ठ तो कुछ है नहीं। राम 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 शिव 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो ठीक लगे वो ले लीजिए, कोई उच्चारण की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने पूछा कि क्या संस्कृत का उच्चारण नहीं है तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उच्चारण ही सही नहीं है। मैं तो बड़ा जोर देता हूं इस बात पे। संस्कृत का कोई पाठ होता है वो एक्चुअली वो किसी छंद में बद्ध होता है। छंद में विष्म विष्णु षटकारो प्रभु, इस प्रकार अनुष्टुप छंद है, किसी न किसी छंद में कोई पाठ होता है। संस्कृत का कोई पाठ होता है वो एक्चुअली वो किसी छंद में बद्ध होता है। छंद में विष्म विष्णु षटकारो भव्य भवत प्रभु, इस प्रकार अनुष्टुप छंद है, किसी न किसी छंद में कोई पाठ होता है। जटाटवि गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमडम डमडम, ये इस प्रकार से चलते हैं। तो इसमें ये छंदात्मक है, मात्राएं पूरा वजन बराबर होता है उनका। एक पंक्ति का वजन जितना होगा दूसरी पंक्ति का वजन भी उतना ही होगा। हिंदी संस्कृत के स्टूडेंट समझ रहे होंगे मेरी बात। छंदात्मक होता है, छंद में एक लयात्मकता होती है, और छंद में कई प्रकार होते हैं, रगण यगण चगण मगण, है ना। तो ये छंदों के प्रकार हैं, तंत्र में बड़े उपयोगी हैं। तो ये छंद की का जो नाद है वो एक्चुअली वो नाद जो है वो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपके चारों ओर, ऐसी ऊर्जा ऐसा ओरा क्रिएट करता है कि आपका ओरा शुद्ध होने लगता है, आपके काम होने लगते हैं, आपके निर्णय सही होने लगते हैं, अच्छी चीजें पॉजिटिविटी आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। संस्कृत के छंदों का इतना महत्व है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि संस्कृत के छंद में ही आप पाठ करें तो बहुत सुंदर। संस्कृत का उच्चारण अगर ठीक नहीं है तो कोई नाम जप करें, नहीं तो उसका उच्चारण सीखें, या किसी एक श्लोक का अच्छे से उच्चारण सीखें कि वो एक श्लोक को ही आप मंत्र के रूप में आप ले सकते हैं। ललिता सहस्रनाम का कोई भी एक मंत्र आप ले सकते हैं, कोई भी एक श्लोक आप उठा के जो आपको ठीक लगे। ये सब चर्चा के विषय हैं। देखिए, अब मैं वीडियो में कैसे बताऊं कि कौन सा मंत्र आपको लेना चाहिए। 183 श्लोक है, कौन सा श्लोक का क्या अर्थ है ये तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब आप कहें कि जी हिंदी में क्या पाठ करना ठीक है, हिंदी में आप पाठ कर सकते हैं लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जो उसकी फलश्रुति में महात्म में बताया गया है। क्यों? वापस वही छंद वाली बात, क्योंकि हिंदी की आप सिंपल वो कहानी पढ़ रहे हैं, वो गद्य पढ़ रहे हैं, उसको शक्ति कहाँ है? उसके छंद की नाद में, उसके लय में, उसके प्रवाह में, है ना। अलग अलग प्रकार के छंद हैं। संस्कृत का विद्वान कोई व्यक्ति, अलग अलग छंदों की प्रकार होते हैं, रगण यगण मगण छगण, उस छंद के पर्टिकुलर छंद के अंदर किसी को कोई श्राप दे दे तो उसको लग जाएगा। ये पहली बार इंटरनेट पे आपने सुना होगा, कोई किसी ने नहीं बताई होगी ये बात। रगण छंद में अगर किसी को कोई आशीर्वाद देना हो, उसके अंदर कोई बात लिखनी हो, उस छंद के अंदर उतनी ही मात्राएं दीर्घ, कहां दीर्घ है कहां लघु है कहां प्लुत है, ये देखो टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई छंद लिखा जाए और किसी को उसमें श्राप दे दिया जाए तो वो श्राप लागू हो जाएगा। ये बातें बताने की नहीं होती, मैंने ये नहीं बताया कि रगण छंद क्या है, विशेष मात्राएं होती हैं, तो इतना फर्क पड़ता है। इसलिए ये बताना जरूरी था, कोई ऐसा कोई चेष्टा न करें, क्योंकि बुरा करने वाले का बुरा होता ही है हमेशा, है ना। तो ये नहीं कि आप कोई छंद में कहीं सीख साख के और किसी को श्राप देने में लग रहे हैं, कोई श्लोक बना रहे हैं, सब ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। एक बात बताइए मैंने, तो जितने भी स्तुतियां सहस्त्रनाम स्तोत्र हैं ये उस विशेष छंद के अंदर लिखे गए हैं, तो वो सीधी ऊर्जा जो है उस देवता की ऊर्जा प्रभावित होती है, यूनिवर्स जो है उसमें आपको वो फल प्रदान करता है।
हिंदी में पढ़ेंगे नुकसान कोई भी नहीं है, आत्मबल आपको मिलेगा, आपको अपने इष्ट के प्रति भाव की अनुभूति होगी, उनके प्रति आपका मन लगेगा, भक्ति उत्पन्न होगी, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा लाभ श्रुति में जैसा लिखा गया वैसा नहीं मिलेगा, ये तय बात है। इससे बेहतर है कि उसका आप हिंदी में पाठ करें फिर कोई, या फिर कोई नाम जप करें, वो बहुत श्रेष्ठ है। एक प्रश्न तो ये, अभी एक प्रश्न और आया था, एक प्रश्न और है कि क्या किसी स्तोत्र की फलश्रुति पढ़ना आवश्यक है। देखो अब इसमें शास्त्र अलग बात कहते हैं, मेरा अनुभव कुछ अलग है थोड़ा सा। यदि आप दिन का एक ही पाठ कर रहे हैं तो उसकी फलश्रुति भी पढ़ लीजिए। जब आप आधे आधे घंटे का 15-15, 20-20 मिनट का कोई पाठ आप कर रहे हैं तो 3 या 4 मिनट की फलश्रुति पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, पढ़ लीजिए। उसका कारण बताऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि कोई पुरुष चरण अगर आप लेते हैं, कोई संख्यात्मक अगर उसका पाठ का आप संकल्प ले लेते हैं कि मैं 1100 पाठ ललिता सहस्रनाम के इस नवरात्रि में संपूर्ण करूंगा, पूर्ण करूंगा, कंप्लीट करूंगा, जो उस विधि से जो भी, तो आपको पहले पाठ में फलश्रुति पढ़नी है, उसके बाद वाले उस दिन पर्टिकुलर दिन पहला पाठ फलश्रुति के साथ होगा, बाकी सारे पाठ जितने भी आप कर रहे हैं उसमें फलश्रुति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने संकल्प ले लिया है तो मूल पाठ ही बहुत है, एक से ज्यादा पाठ करते हैं तो पहले पाठ में फलश्रुति पढ़ लीजिए, दूसरे तीसरे चौथे 11 पाठ आप दिन का कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर दिन दिन में बाकी के 10 पाठ आप फलश्रुति पाठ मत कीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। अगले दिन फिर से नया दिन उगा है तो फिर वापस पहले पाठ में आपको फलश्रुति पढ़नी है और बाकी के पाठ में आप ना पढ़े चलेगा। संकल्प आपने ले लिया है, वो संकल्प वाला मैटर बता रहा हूं कि मैं इतने पाठ इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, तो पहले पाठ में फलश्रुति पढ़ लीजिए, बाकी के पाठों में आप न करें तब भी चलेगा, एक से अधिक पाठ हो तो। एक ही पाठ अगर आप करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो फलश्रुति पढ़ लीजिए। क्यों? अब उसका उत्तर सुनिए जो मेरी तरफ से, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मेरे मुझे लगता है। रोज जब आप कोई संस्कृत का पाठ करते हैं तो उसकी फलश्रुति क्यों पढ़नी चाहिए? शास्त्र तो बोलते हैं कि ना भी पढ़ो तब भी चलेगा, मूल पाठ ये है, लेकिन देखो उससे जो है ना देवता से जुड़ाव कब होगा, जब उसकी पाप फलश्रुति पढ़ेंगे। फलश्रुति में लिख रखा है कि विद्या विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, है ना, मोक्षार्थी लभते मोक्ष। विद्या प्राप्त कर चाहने वाले को विद्या मिलेगी, धन चाहने वाले को धन मिलेगा, इतनी संख्या में जप करने वाले को यह मिलेगा, इससे वशीकरण की शक्ति आ जाएगी, इससे आपको धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, संतान चाहने वाले को संतान मिलेगी, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत फल हम उसमें पढ़ते हैं। जब हम वो पढ़ते हैं तो उससे एक संकल्प की वृद्धि होती कि हाँ इससे ये मिलेगा, समझे, आपके अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होगी कि हाँ यार जो भी मैंने अब तक ये पाठ किया है ये इससे मुझे इतनी इतनी चीजें मिल सकती हैं या मिलेंगी या माँ मुझे देगी, तो आपका एक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है अंदर ही अंदर कि ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए, तो वो फिर आपको मिलने भी लगती हैं। दूसरा, फलश्रुति पढ़ने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि ईश्वर को याद दिलाना। देखो ऐसी अतरंगी बातें हैं हमारे पास। जब आपने पाठ किया, भगवान का संकल्प लेके किया कि हे प्रभु एक पाठ आपके लिए कर रहा हूं, इसको स्वीकार करें, पाठ आपने कर लिया, फलश्रुति जब आप पढ़ेंगे तो ईश्वर को याद दिला रहे हैं, भगवान ये भी देना है, इतना धन भी देना है, इससे धन मिलता है, भगवान मैंने आपको पाठ किया इससे धन मिलता है, देखो इससे मोक्ष मिलता है, मुझे विद्या मिलती है ना। ईश्वर को याद दिलाना कि इसकी फलश्रुति में ये लिखा हुआ है, आपको देना है प्रभु, भूल न जाना। ये भौतिक जितना भी पाठ करने वाले लोग हैं जिनको कुछ चाहिए भगवान से, उनके लिए है। मैं तो बोलता हूं कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, वो सब दे देंगे, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है। तो फलश्रुति पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, फलश्रुति पढ़नी चाहिए। हाँ, एक से अधिक पाठ का आपने संकल्प लिया हुआ है, कोई पुरुष चरण कोई संख्यात्मक आपने अमाउंट का संकल्प ले लिया है, तो उसमें पहला पाठ आप फलश्रुति के साथ पढ़िए, बाकी सारे पाठ बिना फलश्रुति के भी चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूं। भैया वीडियो अच्छे लग रहे हो तो शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में, साथियों में, किसी का भला आपके साथ हो जाएगा तो ही आपका भला होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सबका भला हो, ऐसी हम ऊर्जा हम फेंकेंगे बाहर तो वापस वैसी ही ऊर्जा हमारे पास आएगी, है ना। शेयर कीजिए, किसी को कहीं से क्या ज्ञान मिल जाए, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मांगना पड़ता है, चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भर भर के, जो अच्छे कमेंट, अच्छे बुरे कमेंट जो आपको करना है कीजिए, लेकिन कमेंट्स कीजिए। कुछ नहीं तो जय श्री राम, हर हर महादेव, अच्छी अच्छी बातें लिखिए। आपके अनुभव क्या रहे, आपकी साधना के क्या अनुभव हैं, आप मेरी वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी ठीक लगे महाराज, खुला खाता है, लिखिए लिखिए लिखिए, कमेंट्स कीजिए खूब। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।